आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार, मैं समीर सावकर और आप मुझे अमर उजाला पर सुन रहे हैं। आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करूंगा। देखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीटें आती है। इन 48 सीटों पर कब्जा करने के लिए ऐसा गठबंधन महाराष्ट्र की जनता देख रही है जिसकी कल्पना भी महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कभी नहीं की होगी। शिवसेना का कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलाना असंभव लगता था, आज हकीकत है। अजित पवार, जिसे भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का वादा करती थी, आज भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। महाराष्ट्र में पिछले 25 सालों में भाजपा और शिवसेना गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन से होता था। महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रखने वाले ये चार दल अब 6 दलों में बंट चुके हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई है, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी उद्धव ठाकरे की उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी। इसी तरह शरद पवार की पार्टी भी उनके भतीजे अजित पवार के बीच बंट गई है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी के साथ एनडीए में है, वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है। 48 सीटों के बंटवारे की बात करें तो इंडिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाजपा को तय करना है कि एकनाथ शिंदे को कितनी सीटें देनी है और अजित पवार के लिए कितनी छोटी सीटें छोड़नी है। भाजपा जो तय कर लेगी वही एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मंजूर होगा, क्योंकि सिर्फ 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना और सिर्फ 35 विधायकों वाले अजित पवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बना देना, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बताती है कि उन्होंने इन दोनों नेताओं को उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा दिया है। ऐसे में लोकसभा सीटों को लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दबाव बनाए भारतीय जनता पार्टी पर, इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में इतना आसान नहीं है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर आपदा में अपने लिए अवसर देख रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस तो साफ कह रही है कि आप दोनों टूट चुके हो, सबसे ज्यादा विधायक हमारे, तो सबसे ज्यादा सीटों पर भी हम लड़ेंगे। शिवसेना का कहना है कि भले ही हम टूट गए लेकिन 2019 में 23 सीटों पर लड़े थे और 18 सीटें हमने जीती थी, इसलिए 23 से ज्यादा नहीं लेंगे तो 18 से कम भी नहीं लेंगे। शरद पवार का कहना है कि कांग्रेस साथ गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर लड़ती थी, अब टूटकर आधी हो गई है तो आधी सीटें 11 तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ सीटों का बंटवारा ही मुश्किल नहीं है, कौन सा दल किस सीट से लड़ेगा यह तय होना और उस पर सहमति बनना भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में बहुत आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 11 सीटें आती है, उसके बाद विदर्भ से 10 सीटें, मराठवाड़ा से 8 सीटें, कोंकण से 7, मुंबई से 6 और उत्तर महाराष्ट्र से 6 सीटें आती है। उद्धव ठाकरे मुंबई की 6 और कोंकण ठाणे की 7 सीटें मिलाकर 13 सीटों पर किसी को दगा देना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे का तर्क है कि महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे कोंकण में उनका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन है, शाखा प्रमुख है, शिवसेनिक है। ऐसे में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इन 13 सीटों पर नजर न रखे, यह 13 सीटें सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ दी जाए। कांग्रेस का यह कहना है कि यह संभव नहीं है, हमारा भी वहाँ संगठन है, हम भी वहाँ चुनाव लड़ते रहे, ऐसे में हम उन सीटों पर से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार का कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मेरा संगठन मजबूत है, इसलिए वह 11 सीटें मुझे दी जाए। फिलहाल इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में शामिल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना में अंतिम समय में बैठकों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कि जितने तीनों जानते हैं कि मिलकर लड़ना इनकी मजबूरी है। सीटों के बंटवारों को लेकर इनके बीच यह चर्चा भी है कि कांग्रेस और शिवसेना 18-18 सीटों पर लड़ ले और बाकी बची 12 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी और वंचित बहुजन आघाड़ी और राजू शेट्टी के स्वाभिमान शेतकरी संगठन को दे दी जाए। शरद पवार 8 सीटों पर लड़े और बाकी सीटों पर 2-2 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी और राजू शेट्टी की पार्टी को शामिल कर लिया जाए। दूसरे प्रस्ताव में उद्धव ठाकरे 18 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर लड़े और 10 सीटों पर शरद पवार और अन्य दलों को 2-3 सीटें दे दी जाए। शरद पवार 6-7 सीटों पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 6-7 सीटें देने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अब 2024 में जब 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी महाराष्ट्र में आएगी और प्रधानमंत्री मोदी 2000 प्रचार करेंगे, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में इस डबल इंजन की सरकार को महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कैसे रोक पाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ताकत, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय सेवक संघ का जमीनी स्तर पर काम से भारतीय जनता पार्टी के संगठनिक ताकत से यह तीनों दल वाफिक है और मुझे लगता है मिलकर तीनों दलों की लड़ना मजबूरी है। यह सीटों का बंटवारा होगा,
कैसे होता है और फिर ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने कैसे डटकर लड़ते हैं, कौन सा एजेंडा लेकर आते हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, अगले शनिवार फिर किसी विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।